विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर जो बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे बच्चे, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि भैया आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है प्यारे बच्चे, तो आपको जो है अभी निश्चित तौर पर पढ़ाई करनी होगी और तभी पढ़ोगे बच्चे, तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना। तो आपके पास अभी बहुत कम समय बचा, तो आपको पढ़ाई करने की नीड है बच्चे, ठीक है, आपको पढ़ाई करनी जरूरी है। तो आज बच्चे हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 12वीं का जो रसायन है बेटा, उसके चैप्टर नंबर हम लोग 14 में लेके आए हैं। 14 सीधा डायरेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। क्यों 14 पढ़ने वाले बच्चे? क्योंकि ये चैप्टर जो है हमको कम टाइम लेने वाला है, कम टाइम लेने वाला है, और साथ ही साथ यहां से हमको 3 नंबर देने वाले हैं। क्या बच्चा? मैंने बोला हमारे चैप्टर नंबर 14 की मैं बात किया, ठीक है, 14 की बात किया, जिसका नाम होता है प्यारे बच्चे जैव अणु। क्या होता है? जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स अपन आज पढ़ने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं। और बायोमोलिक्यूल्स मैंने सारे बच्चों को बताया हुआ है कि यहां से जो है 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 अंक के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे क्वेश्चन बेटा, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। मैंने क्या बोल दिया प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि भैया यहां से जो है अंक जो है क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। मतलब हमको यहां पे क्या है, हमको टोकरी भर के नंबर मिलने वाले हैं। क्या बच्चा? अपन को यहां से टोकरी भर के नंबर मिलने वाले हैं। हम सबको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन हमको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ दें सर, जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और जिससे हमको जो है अंक मिल जाए अच्छे तरीके से? तो वो कंसेप्ट आपको दिख रहा होगा बच्चे, हम लोग यहां से 4 टॉपिक करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट्स करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे, उसके बाद प्रोटीन करेंगे, फिर विटामिन्स करेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? तो आज हम यहां से सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक करेंगे, 4 जो है टॉपिक करने वाले हैं, और ये चारों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अब कई बच्चे यहां पे बोल रहे होंगे कि सर इस चैप्टर के अंदर तो सिर्फ 4 ही टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर तो सिर्फ 4 ही टॉपिक है, तो क्या हम सर पूरे चैप्टर पढ़ देंगे क्या? ना, ऐसा गलती नहीं करेंगे भैया। हम क्या करेंगे, ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालेंगे जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट से हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन से होंगे, न्यूक्लिक एसिड से होंगे, और साथ ही साथ बेटा जो हमारे विटामिन से जो क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट जो बेटा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आ सारे बच्चों को? तो चलिए बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की ये जर्नी हमारी। तो आज पढ़ने वाले बेटा हम लोग जैव अणु पढ़ने वाले, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने वाले, और इसके अंदर सबसे पहले पढ़ाव के ऊपर आते हैं। तो बच्चे हम लोग जो है यहां पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सारे बच्चे जो है समझ रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट सर कि हमारे चावल में जो होता है वही कार्बोहाइड्रेट्स का? बिल्कुल बच्चे वही कार्बोहाइड्रेट्स ही है, ठीक है। हमारी रोटी में जो होती है कार्बोहाइड्रेट सर क्या वही है? तो बिल्कुल बच्चे वही है हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पे बात किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं बेटा, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। मैं बोला डायरेक्ट कांसेप्ट पे आएंगे अपन, ठीक है, बिल्कुल टाइम जाया नहीं करेंगे, बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे। समझ में आया? देखो भैया, ठीक है, अपन अगर मैं बात कर दूं तो हमारे यहां पे क्या होता है बेटा, जीएफ होती है, मतलब जनरल फॉर्मूला। आप लोग बच्चे जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं अगर जीएफ बोल दूं तो यहां पे कोई गर्लफ्रेंड नहीं समझेगा, ठीक है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं समझेगा, क्या समझेगा, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। भैया अपना यहां पर क्या रहेगा? जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा, ठीक है, इसका जो है CX H2O Y, हमारा क्या है बेटा, ये जर्नल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फॉर्मूला याद रखना बेटा, कभी भी भूलना मत, कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फॉर्मूला क्या है, CX H2O Y। अब ये तो जर्नल फॉर्मूला हो गया सर, मेरे को याद हो गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हुआ। क्या सर यहां से मैं फॉर्मूला बना दूंगा? बिल्कुल बच्चे आप फॉर्मूला बना दोगे, ध्यान से सुनते रहना बस। अब देखो, ठीक है, हमारा जो ग्लूकोज होता है बेटा, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है, सेल्यूलोज जो होता है, वो हमारे का सब कार्बोहाइड्रेट्स में ही आते हैं। किसमें बच्चा? कार्बोहाइड्रेट्स में ही आ रहे होते हैं। समझ में आया सारे बच्चों को? ठीक है, किसमें आ रहे बच्चे? कार्बोहाइड्रेट्स में ही सारे आ रहे होते हैं। समझ में आया इतने सारे बच्चों को? ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर क्या है ना, अपन जो है बहुत होशियार है, ठीक है, अपन जो है बहुत होशियार है, ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, राइबोज हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन यहाँ पे ना कुछ ऐसे जो है कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं प्यारे बच्चे, जो क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं आ रहे होते हैं। मैंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं बच्चे, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे क्या होंगे जो कि जिसकी जनरल जो है क्या बोलते हैं जनरल फॉर्मूला जो है होती तो दिखती है अच्छी है, ठीक है, अच्छी तो दिखती है अच्छी, जैसे ये हमारा जो है जनरल फॉर्मूला है उसी तरीके से तो दिखती है, लेकिन जब हम उसका जो है प्रॉपर्टीज में जाके चेक करेंगे, ठीक है, तो वो जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रही होती है। समझ में आया सारे बच्चों को मैंने क्या बोल दिया? तो हमारे पास एक ऐसे एक्सेप्शन होता है प्यारे बच्चे, ठीक है, ऐसे एक्सेप्शन होता है हमारा रेमनोज। हाँ, तो क्या होता है बेटा, हमारा रेमनोज जो होता है, हमारा रेमनोज की क्या होती है,
हमारी जो रेमनोस की जो फॉर्मूला है बेटा वो तो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स की तरह हमको दिखता है, लेकिन भाई हमारी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता ये, ठीक है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता। लेकिन अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं तो हमारा एसिटिक एसिड जो है, ठीक है, हमारा CH3, क्या बेटा CH3 बचपन से अपन पढ़ते हैं इसको, ठीक है, CH3COOH हमारा एसिटिक एसिड जो है ये क्या कर रहा है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है। अगर मैं इसको अलग अच्छे तरीके से तोड़ना चाहूं तो ध्यान से देखते रहना, बस सुनते रहना भैया, खामोश होकर, ठीक है, एकदम शांति से सुनना। देखो यहां पे क्या है बेटा, एक कार्बन की बात हो रही है, यहां पे दो कार्बन, यहां पे एक कार्बन मैंने रख दिया, यहां पे दूसरा कार्बन, ठीक है। अब कार्बन से तीन हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया, देखो यहां पे एक दो और तीन हाइड्रोजन, और इसका स्ट्रक्चर क्या बना बेटा, यहां से देखो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, ठीक है, इस तरीके से मेरा ये स्ट्रक्चर बना। तो यहाँ पे बेटा हमको जो है एल्डिहाइड ग्रुप भी मिल रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप भी मिल रहा है, ऑक्सी एल्डिहाइड बोल सकते हैं, ठीक है, थीके? और यहाँ पे मेरे को कीटोन्स ग्रुप भी मिल रहा है। इस कार्बोहाइड्रेट से हमको जो है एल्डिहाइड ग्रुप भी मिल रहा है और कीटोन्स ग्रुप भी मिल रहे हैं, समझ में आए? तो आप रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे हो, ध्यान से सुनते रहे ना यहां से, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल दूं, हमारे कार्बोहाइड्रेट में क्या सर जो है ऑक्सी जो है ऑक्सी एल्डिहाइड होता है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बच्चे हमारे कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सी एल्डिहाइड होता है, ठीक है, क्या सर मैं जो है कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकीटोन्स होता है, बिल्कुल बच्चे हमारे कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है ऑक्सीकीटोन्स होता है, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है भाई, क्या रखना है, ऑक्सीएल्डिहाइड और ऑक्सीकीटोन जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। तो मैं जब इसको लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, C2H2O+2 इस तरीके से मैं लिखूंगा, तो मेरे को क्या मिला, C2 मतलब भैया यहाँ पे X वाला फॉर्मूला आ गया, Y का मतलब बेटा यहाँ पे देखो Y की जगह पे 2 आ गया, मतलब ये जनरल फॉर्मूला क्या कर रहा है बेटा, फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो हमारा क्या बोल सकते हैं CH3COOH जो है, ठीक है, वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बेटा वो क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है प्यारे बच्चे, ये हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट्स है। समझ में आया सारे बच्चों को, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा उम्मीद कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं इसके फटाफट आगे और देखते हैं कि क्या 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 चीजें अपन यहां पे सीखने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे तो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला मैं यहां पे मैं कैसे लिख सकता हूं, सॉरी फॉर्मूला नहीं, डेफिनेशन अपन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो डेफिनेशन ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट जो ऐसे कार्बनिक पदार्थ है बेटा, क्योंकि हम लोग कहां पे आए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहुंच चुके हैं अभी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन की बात कर रहा हूं, मतलब यहां पे क्या होने वाला है, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होते हैं, समझ में आया सारे बच्चों को। और रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और जो है पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे बताया हुआ है आपको, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स और पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड यहां पे प्रेजेंट होते हैं, समझ आया, वही हमारा क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है। समझ में आया सारे बच्चों को फटाफट, ठीक है। अब थोड़ा सा फटाफट आगे बढ़ते हैं कि क्या है आखिर इस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। अब अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की जो बेटा क्लासिफिकेशन की बात करूं, वर्गीकरण की बात करूं, तो वहां पे हमारे कार्बोहाइड्रेट जो है तीन तरीके से बांटे जा सकते हैं कि बच्चे, तीन तरीके से, ठीक है, कार्बन के प्रेजेंसी के हिसाब से भैया वहां पे तीन तरीके से बांट सकता हूं, ध्यान से सुनते रहना सारी चीजों को, देखो, ठीक है। पहला जो तरीका होता है प्यारे बच्चों वो हमारा क्या होता है, मोनोसैकेराइड, ठीक है। अगर कभी बेटा आप लोग को जो है कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स बोल देना, ठीक है, सैकेराइड्स बोल दे, इसी कार्बोहाइड्रेट को ही मैं लिख देता हूं इधर, ठीक है, सैकेराइड बोले तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, कार्बोहाइड्रेट से हमारा क्या है सैकेराइड्स का मतलब होता है बेटा सुगर, ठीक है, सैकेराइड्स का मतलब होता है सुगर, क्लियर सारे बच्चों को, सुगर मतलब शक्कर की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा बेटा, हमारा सैकेराइड होगा, कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर दूं, वर्गीकरण कैसे करते हैं उसके ऊपर अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो ध्यान से सुनते रहना, यहां पे वर्गीकरण के बारे में बात करने वाला हूं। अगर मैं बोलूं कि मेरा वर्गीकरण बच्चे तीन तरीके के होते हैं, तो तीन तरीके आखिर कौन कौन से सर, आखिर कौन कौन से तीन तरीके, बच्चे ध्यान से सुनो, कॉपी के अंदर लिख लो, अभी लिख लो भाई, क्या मैं बोलूं, देखो ध्यान से, ठीक है, देखो फटाफट, अगर देखो भाई मेरा पहला जो होता है, पहला क्या होता है बेटा, मोनोसैकेराइड, दूसरा जो होता है बेटा वो क्या होता है मेरा, ठीक है, मोनोसैकेराइड, उसके बाद बेटा हमारा क्या है ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा जो होता बेटा पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब इसको जो है लिखते कैसे है सर, हमको इसको समझना कैसे होगा, तो उसको ध्यान से सुनते रहना प्यारे बच्चे, ये एग्जाम्स में आता है, मैंने क्या बोला, ये जो डेफिनेशन है ये एग्जाम्स में आता है,
ठीक है, एग्जाम्स में आता है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ो फटाफट, देखो ध्यान से। मोनोसैकेराइड्स की अगर मैं बात करूं तो मोनो से हमको ये क्लियर हो जा रहा है कि मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। ठीक है, सिंगल एक, यहाँ पे कोई भी सिंगल रहेगा तो कोई दुख नहीं होगा। ठीक है, कोई दुख नहीं मनाएगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिंगल लोगों की बात हो रही है, मतलब मोनोसैकेराइड्स की बात हो रही है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो देखो ध्यान से, मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, जो सैकेराइड्स की एक इकाई एक यूनिट से बने होते हैं। मैंने क्या बोला भाई, यहाँ पे जो एक इकाई एक यूनिट से, इकाई का मतलब यूनिट होता है। ठीक है, एक इकाई से जो बने होते हैं तथा जल अपघटित होकर, जल में अपघटित होकर, हाइड्रोलाइसिस होकर, ठीक है, क्या होगा, पॉली जो है हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या होता है बेटा, टूट जाते हैं। कितने सरल यौगिक में, सरल कंपाउंड्स में टूट जाते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे मोनोसैकेराइड्स। अब सिंपल सी बात है यार कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में किससे बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है क्या बोलते हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट किससे ही बना हुआ है, बच्चे ध्यान से सुनो ना, हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन से बना हुआ है। किससे, कीटोन से बना हुआ है। तो जब टूटेगा तो उसी दोनों में ही टूटेगा, टूटेगा तो उसी दोनों में ही टूटेगा। क्लियर है सारी बात है? ठीक है, जब ये उसी दोनों में टूटेगा तो ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब उसी में टूटेगा तो अगर हमारा जो एक एक यूनिट में टूटा, ठीक है, हमारा अगर मोनोसैकेराइड्स की बात करूं तो वो क्या करता है, एक यूनिट से ही बना होता है, एक जो यूनिट से ही बना होता है। जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटित करेंगे बेटा, तो वहां से क्या होगा, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स के और अधिक सरल यौगिक नहीं बन पाते, क्योंकि वो सिंगल ही है खुद। अब सिंगल लोग को कौन क्या तोड़ेगा भाई, ठीक है, सिंगल लोग को और क्या कौन तोड़ेगा, तो सेम फंडा यहीं पे है। तो मोनोसैकेराइड खुद सिंगल है तो इसको तोड़ेंगे, इसको जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो और छोटे यौगिकों में नहीं बनेगा, नहीं टूट पाएगा। समझ में आया सारे बच्चों को? ठीक है, समझ में आया तो फटाफट डेफिनेशन लिख लो भाई यहां से, मोनोसैकेराइड इसी को ही अपन बोलेंगे। इसका अगर एग्जांपल लेंगे बेटा, आपको ग्लूकोज लिख लेना, फ्रक्टोज, राइबोज और भी हमारे बहुत सारे होते हैं, आप लोग ये तीन जो मेजर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल बच्चे बहुत गलत तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं अपन जो दूसरे तरीके के ऊपर। दूसरे तो मैं जो है हमारा टाइप्स की बात कर दूं, वर्गीकरण की बात करूं तो बेटा ये हमारा होता है ओलिगोसैकेराइड। क्या होता है बेटा, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड बड़ा जो है अटपटा सा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन बहुत ईजी है प्यारे बच्चे, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होगा, हमारे ऐसे जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जल अपघटित होकर, पूरा प्रोसेस एक बार याद रखना बच्चा। अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग हमेशा हाइड्रोलाइसिस की बात कर देंगे। किसकी बात करेंगे, हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन की बात करेंगे, ठीक है, मतलब जल अपघटित करके हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो टूट जाएंगे, ठीक है, टूटा हुआ, ठीक है, समझ गया ना भैया, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, समझ में आया सारे बच्चों। तो यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड्स की मैं बात करूं तो ओलिगोसैकेराइड जो हमें, उसमें क्या होता है, ऐसे वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जल अपघटित होकर 2 से 10 तक, सिर्फ 2 से 10 तक, यहाँ पे बात बेटा, यहाँ पे लिमिटेशन आ गई, क्या है, 2 से 10 तक की लिमिटेशन आ गई। 2 से 10 तक क्या होंगे, 10 तक के मोनोसैकेराइड्स के अणु देते हैं, मोनोसैकेराइड्स के अणु में टूट जाते हैं, मोनोसैकेराइड्स के अणु में टूट जाते हैं। अब मेरे को एक बात बता दो कि हमारा जो है मोनोसैकेराइड्स क्या था, एक सिंगल आदमी था, जब कपल आदमी, ठीक है, जब कपल आदमी टूटेगा तो सिंगल बन जाएगा ना, जब कपल आदमी टूटेगा तो सिंगल बन जाएगा ना, सेम फंडा यहाँ पे देखो। हमारा ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, वो तो क्या है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड से बना हुआ होगा, बहुत सारे मोनोसैकेराइड से ही बना होगा। जब वो टूटेगा उसका ब्रेकअप हो जाएगा भाई, क्या बोलेगा, ब्रेकअप हो जाएगा, तो किसमें हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल में ही कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल की बिरादरी में आ जाएगा वापस से। तो ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे, हाँ, सिंगल की बिरादरी में तो आएगा, लेकिन ये किस पे एप्लीकेबल होगा, कितने जो है, कितने सिंगल लोगों के बीच में आ जाएगा, 2 से 10 के बीच में, किसने, 2 से 10 के बीच में। मतलब मैं बोलूं कि हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है जल अपघटित होकर 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणु बनाते हैं, 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स के अणु बनाएंगे। समझ में आया सारे बच्चों को, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से आया होगा। अगर एग्जांपल्स की बात कर दूं प्यारे बच्चों, तो यहां पे क्या होता है, डाइसैकेराइड्स, ठीक है, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, यार कुछ नहीं है भाई, ये एग्जांपल्स क्या है बताएं तुमको, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स नहीं बोलूंगा, इसको मैं नाम से बोल दूंगा, ठीक है, नाम आए, ठीक है, कैसे भैया, ट्राइसैकेराइड्स में क्या होंगे, ठीक है, जहां पे 2 जो है हमारे सैकेराइड्स बन के ट्राइसैकेराइड्स बन गए, ठीक है, 3 बन के ट्राई बनेंगे, डाई बन के 2 हमारे मोनोसैकेराइड्स एक साथ ज्वाइन होके हमको क्या बनेंगे, डाइसैकेराइड्स बनाएंगे, ठीक है। अब टेट्रासैकेराइड्स में 4 हमको मिलेगा, ठीक है, ये सब बचपन में पढ़े हुए हैं यार, इतनी छोटी छोटी टर्म्स, इसको एक्सप्लेनेशन थोड़ी देंगे यहाँ पे, है ना, एक्सप्लेनेशन थोड़ी देंगे इतनी छोटी छोटी टर्म का, समझ में आया सारे बच्चों को, क्लियर है। अब देखो, अगर मैं बोलूं बेटा, हमारा जो डाइलैक्टोज जो होता है,
डाइलैक्टोज जो होता है वो लैक्टोज लैक्टेज जो है एंजाइम्स के प्रेजेंस में, एंजाइम्स के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस जब मैं करता हूं, ठीक है, डाइलैक्टोज की बात कर रहा हूं, डाइसैकेराइड मतलब डाइलैक्टोज की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, डाइलैक्टोज को जब मैं क्या करूंगा, हाइड्रोलाइसिस करूंगा मतलब वो जल अपघटित करूंगा, तो ये क्या होगा, लैक्टोज एंजाइम के प्रेजेंस में बेटा वो क्या होगा, डी डी जो है गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज और डी जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, डी डी जो है गैलेक्टोज और डी जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आया सारे बच्चों को, तो ये आप लोग बेटा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जो हमारा क्या है ऑलिगोसैकेराइड्स यहाँ पे खत्म करते हैं। अब पॉलीसैकेराइड्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है आखिर, पॉलीसैकेराइड्स कुछ नहीं बच्चे, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका जल अपघटन तो अपन करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या होंगे, अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड्स इकाई प्राप्त होती है, मतलब हमको जो है एक ऐसा बंदा, एक ऐसा आदमी जो बहुत सारे जो है संसारिक जो है मनोकामनाओं, मनो से क्या बोल सकते हैं, दुख दुविधाओं से जो है भरा पड़ा हुआ है, जब वो टूटेगा तो बहुत सारी उसकी दुख पीड़ा जो है निकल जाएगी, मतलब उनको जो है जब टूटेगा तो वो जो है बहुत सारी मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब, पॉली का मतलब ही क्या होता है, पॉली का मतलब बहुत सारा, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, जब बहुत सारा चीज बन के एक जो है यूनिट बना हुआ है, जब वो टूटेगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाएगा, और इसी छोटे पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं भैया, मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। तो सेम फंडा यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटित करके अत्यधिक संख्या में हमको मोनोसैकेराइड्स मिलता है, प्राप्त होता है, उसी को अपन बोलेंगे बेटा पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करूं तो स्टार्च, ठीक है, ग्लाइकोज, ये हमारे क्या है बेटा, प्राइम एग्जांपल्स है जो है पॉलीसैकेराइड्स के, समझ में आया सारे बच्चों को, ये भैया फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चों को, ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा बेटा तो फटाफट कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्या है आखिर इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड्स बच्चे हमारे क्या दो तरीके के होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स भी क्या होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा होमोजीनियस, होमोजीनियस कहने का मतलब बेटा होमो पॉलीसैकेराइड्स, होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी, होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, होमो पॉलीसैकेराइड्स मतलब ऐसे सैकेराइड्स, ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जिनके जल अपघटन करने से जो है एक ही प्रकार के हमको मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, मतलब ऐसे पॉलीसैकेराइड्स को मैं जब तोड़ूंगा तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ बेटा, अगर मेरे को एक पॉलीसैकेराइड निकालना हो, मतलब हमको जो है क्या निकाल दे ग्लूकोज निकाल देते हैं, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही मिलता रहेगा, यहाँ पे और कुछ चीज नहीं आएगी। और हेट्रोसैकेराइड्स में क्या होगा बेटा, हेट्रोसैकेराइड्स में जब मेरा जल अपघटित होगा तो मेरे को एक बार कभी क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिल जाएगा, कभी बेटा मेरे को फ्रक्टोज मिल जाएगा, कभी मेरे को फ्रक्टोज मिल जाएगा, कभी जो राइबोज मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो अलग अलग तरीके के जब मोनोसैकेराइड्स मेरे को मिलेंगे तो मैं इसको बोलूंगा हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स, और जब मेरे को एक ही प्रकार के जो है मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे तो मैं बोलूंगा बेटा उसको जो है होमो पैरोसैकेराइड्स, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को। तो ये बहुत जो है छोटी छोटी चीजें बच्चे यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे बच्चों को क्लियर है, ठीक है, यही एग्जाम में पूछा जाता है और कुछ नहीं है भाई इसमें, ठीक है, इसलिए हम बड़ा इंजॉय करके पढ़ेंगे इसको, ध्यान सुनते रहना, बस कुछ नहीं है। अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करूं बच्चे, ठीक है, नेमिंग की बात करूं तो एक का हमारा होता है मोनो, दो का होता है डाई, तीन का क्या होगा बेटा ट्राई, तीन का क्या होता है ट्राई, चार का होता है बेटा टेट्रा, ठीक है, पांच का होता है पेंटा, सिक्स का होता है हेक्सॉन, ठीक है, ये तो अपन को पता हुआ है, सात का होता है हेप्टो, ठीक है, तो यही हम लोग आगे लेके जाने वाले हैं। अब देखो, ठीक है, अगर मैं कार्बन के परमाणु को करता हम लोग ऐसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन सामान्य पद की मैं बात करूं तो बेटा हम तीन को बोलेंगे ट्रायोज, ठीक है, फोर को बोलेंगे टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज, ये बोलने वाले, लेकिन हमारे पास ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन्स ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन्स ग्रुप, तो उसी एल्डिहाइड ग्रुप्स और कीटोन्स ग्रुप्स के फंडे में बात करूं तो बेटा एल्डिहाइड्स में क्या कर देंगे हम लोग, योज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, योज कर देंगे, ठीक है, यो, ठीक है, एल्डो टेट्रोज, क्या बोलेंगे बेटा, एल्डो टेट्रोज, ठीक है, एल्डो ट्राट्रोज, ठीक है, ट्रायोज, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, एल्डो ट्रायोज पढ़ेंगे, ठीक है, टेट्रोज नहीं पढ़ेंगे, एल्डो ट्रायोज पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में एल्डो लगा देंगे, सिंपल यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चा हम जो प्रीफिक्स में क्या लगा देंगे, एल्डो का यूज करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेप्टोज, समझ में आया, ये हमारे केमिस्ट्री की लैंग्वेज है भैया, ठीक है, कोई भयंकर लग रहा होगा तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ में आया सारे बच्चों को। अब मैं कीटोन्स की बात करता हूँ, अब कीटोन्स में क्या होता है बेटा, कीटो आ जाता है, क्या होता है, कीटो लिखते हैं अपन सामने में, बस प्रीफिक्स में क्या लिख देंगे, कीटो लिख देंगे, तो क्या होगा, कीटो ट्रायोज, ठीक है, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, कीटो हेप्टोज, बस सिंपल, एकदम बहुत इजी है ना, मजा आया रहा है ना, देखो बहुत इजी भाई, कुछ नहीं है इसको, अपन को रट्टा मानना है क्या, इसको कुछ नहीं मानना,
ठीक है, जब नाम पूछे कभी एग्जाम्स के अंदर तो ये लिख देना है, बिल्कुल ठीक है, निश्चित होकर लिख देना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं फटाफट, अब अपन बात करते हैं बेटा, ठीक है, अपन फटाफट जो है ग्लूकोज की प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं कि आखिर भाई हमारा जो ग्लूकोज होता है, हमारा जो शुगर होता है, ठीक है, वो कैसे बनता है, कैसे कैसे तरीकों से अपन को प्राप्त होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनते रहना भैया, हमारे ग्लूकोज को अपन लोग क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज, एक और नाम याद रखना प्यारे बच्चे, एक नाम याद रख लेना, अपन क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज बोल रहे होते हैं। क्या बच्चा? ग्लूकोज को डेक्सट्रोज बोल रहे होते हैं, तो याद रखना ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, दक्षिणावर्ती घूर्णन करता है, दक्षिणावर्ती क्या करता है बेटा, घूर्णन करता है। और ये जो है वामवर्ती, एंटी क्लॉकवाइज और क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन। हम लोग जब जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर बच्चे ने पढ़ लिया होगा, जिन बच्चों ने पढ़ लिया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से, तो उनको ये समझ में आ रहा होगा मैं किसके बारे में बात करूं। यहां पे बेटा आइसोमेरिज्म की बात होती है, तो आइसोमेरिज्म जब अपन जो है, जब मैं पढ़ाऊंगा आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो वहां पे और अच्छे से समझेंगे कि ये आखिर इसको डेक्सट्रोज क्यों बोला जाता है। समझ में आया सारे बच्चों को, इसका रोटेशन जो है दक्षिणावर्ती क्यों होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। समझ में आया सारे बच्चों को फटाफट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भैया, हमारा जो कंसेप्ट क्यों पढ़ाते हैं कि भैया हमारा ग्लूकोज की जो है प्राप्ति कैसे होती है, रिकवरी कैसे होती है, कैसे हमारा उसका प्रिपरेशन होता है, आखिर बनता कैसे है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहला मेथड जो होता है, इसमें दो मेथड की बात करूंगा मैं, ठीक है, आपके जो है एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से दो मेथड ही आते हैं, और दो मेथड के बारे में यहां पे बात करूं बेटा। पहला जो मेथड होता है गन्ने के शक्कर से जल के अपघटन से, मतलब एक गन्ना रहेगा उससे शक्कर बनेगा, उसका जल अपघटन होगा, सिंपल बात, ठीक है, सिंपल है। अगर इसको मैं प्रयोगशाला में भैया ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए गन्ने की क्या होता है शक्कर, सुक्रोज को, ठीक है, सुक्रोज को HCl तथा H2SO4 के साथ क्या करता है, रिएक्ट कराता हूं, उसमें अल्कोहल विलयन का जल अपघटन किया जाता है, मतलब अल्कोहल जो है एक जो जल अपघटन के द्वारा इसको जो है हमको जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल रहा होता है। समझ में आया? अगर मैं बात करूं बेटा, ये मेरा जो होता है सुक्रोज होता है, ठीक है, ये मेरा क्या होता है सुक्रोज, ये मेरा क्या होता है बेटा सुक्रोज। अब सुक्रोज को मैं जब क्या करता हूं, जल अपघटित करता हूं, तो यहां से H+ आयन देगा, और H+ आयन जो है हमको बराबर क्वांटिटी में, याद रखना बेटा ये दोनों क्या होंगे, क्वांटिटी इसकी बराबर होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक बराबर क्वांटिटी में अपन को मिलता है, मतलब हमको C6H12O6 और C6H12O6 हमको ये दो चीजें जो है मिलती रहती है। समझ में आया सारे बच्चों को? अगर मैं जो है सुक्रोज, तो हमारा क्या होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया अच्छे तरीके से। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि ये दोनों की क्वांटिटी जो होती है वो सेम होती है, एक जैसी होती है, यहाँ पे ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की समान मात्रा में प्राप्त होते हैं, ठीक है, प्राप्त होते हैं, इन्हें विलयता के आधार पर पृथक किया जा सकता है। और एथेनॉल में फ्रक्टोज की अपेक्षा, एथेनॉल में फ्रक्टोज की अपेक्षा क्या होती है बेटा, ग्लूकोज का अल्प विलय होता है। मतलब सिंपल सी बात है भाई, हमारा जो फ्रक्टोज की जो है, फ्रक्टोज का जो है क्या विलयता जो होगी वो कम होगी, ठीक है। समझ में आया सारे बच्चों को? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे। अब फटाफट बढ़ते हैं, अब देखो, अब दूसरे मेथड की बात करता हूं कि भाई हमारे स्टार्च के जल अपघटन से कैसे हमको ग्लूकोज मिलेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो बच्चा, अपन बात करते हैं, अब व्यापारिक मात्रा में अगर ग्लूकोज मेरे को प्राप्त करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले स्टार्च लूंगा, जिसका जो है केमिकल फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा H10O5, ठीक है, ये हमारा जो है स्टार्च का फॉर्मूला बेटा, किसका, स्टार्च का, आप लोग सारे बच्चों यहां पे लिख लेना, स्टार्च का फॉर्मूला होता है, या फिर सेल्यूलोज आप बोल सकते हो, ठीक है, स्टार्च का फॉर्मूला है। यहां पे क्या होगा, स्टार्च का फॉर्मूला प्लस H2O रहता है, ये 100%, ठीक है। अगर इसको मैं रिएक्शन कराऊं बेटा, किसमें, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हाइड्रोलाइसिस कराने पर मेरे को क्या मिलेगा, एकदम सिंपल देखना, हाइड्रोलाइसिस कराने पर मेरे को क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिल जाएगा, ग्लूकोज मेरे को मिल जाएगा C6H12O6। क्लियर है सारे बच्चों को? एकदम इजी इजी है यार, बहुत, इसमें कोई रट्टा नहीं मारना अपन को, इसमें कोई भी किसी तरीके से रट्टा नहीं मारना है अपन को, ठीक है, बहुत इजी चीजें हैं सारी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो फटाफट, ठीक है। इस प्रकार से मेरे को समझना हो बच्चे, तो हम पूरा का पूरा इस चैप्टर को जो समझ लिए, समराइज कर दिए। अब आने वाले लेक्चर बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बच्चे नए जोश और नए उमंग के साथ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बच्चे धन्यवाद, आप लोग बच्चे पढ़ते रहिए, एकदम मस्त रहते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बाय बाय।